hey guys welcome back to my channel today is monday no today is friday no so what am i doing over here today i'm here to meet you guys because today is the day like our day just exactly 1 year back i uploaded my first video on youtube on this channel that is 21st april 2020 and we have completed 1 year together and मेरे फोन का ओरिएंटेशन उस समय जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था तो कुछ ऐसा ही था लाइक आई वाज आई वाज जस्ट लाइक दिस सो लाइक एक साल में कितना कुछ बदल गया मुझे वीडियोस बनाने आ गए मैंने वीडियोस बनाना सीख लिया वो वीडियो द फर्स्ट वीडियो विच आई अपलोडेड आई फील लाइक आई शुड रिमूव इट बिकॉज नीदर द लाइट इज गुड नॉर दी सेटअप Uh, everything is just messed up. It is just that I started. I wanted to do something. It was the lockdown period. We all were just trying to engage ourselves in something new, and the same I was also doing. So the video just started. The channel just started like that. Okay, so that was the setup which i think i used for the first time yafir yeah, osebi coffee simple and like the basic sa. but uh, you know time flies like it's <laughs> a seriously it's all we are like completing one year of this channel I so guys let's start from the beginning that uh, how we started like how this channel started from where आई गॉड दी आइडिया और एनी थिंग इट्स लाइक ऐसे घर पे एक दिन डिक्शनरी देख गया तो बस याद आ गया कि कैसे बचपन में जब हॉलीडेज़ होते थे तो क्या काम है छुट्टी में क्या करना है तो इट्स लाइक एवरी डे सुबह अबाउट के टेन वर्ड्स याद करने हैं उसके प्रोनउंसिएशन याद करने उसकी मीनिंग्स याद करनी है सो दैट वॉज़ अ फन टाइम एंड पढ़ते पढ़ते भी आई आई रिम्बर मेरा एक डिक्शनरी हमेशा मेरे पास रहता था लाइक साइड में वेल स्टडिंग, एंड जब <laughs> कोई मीनिंग नहीं पता है तो हाँ ठीक है फटाक से डिक्शनरी खोला देख लिया यार डन वन नाव ऑर डेज नाव ऑर डेज वी आर लाइक की ओके व्हाट्स द मीनिंग गूगल चेक कर लिया ऑनलाइन एंड कब हम गूगल में मीनिंग चेक करते करते व्हाट्सअप और इंस्टा के मैसेजेस के आंसर्स एंड नोटिफिकेशंस चेक करने लगते हैं वो एक घंटे के बाद पता चलता है कि ओके फाइन ओके सो बट दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सेंस से लाइक लाइफ इज इफ यू आर नॉट विथ दर्ल्ड यू कान्ट स्टैंड एनी वे लाइक एवरीबडी इज़ मूविंग सो Fast, you need to be fast in your stream as well, so that is also a necessary part so that started the five English words that was on Tuesday, Wednesday, and Thursday, <laughs> so that was fun and after that uh, we started uh, I think facts Friday first uh, facts Friday of एंड फैक्ट्स फ्राइडे के बाद लाइक्चर मंडे फैक्ट्स फ्राइडे के वीडियोज़ बनाने में मुझे बड़े मज़े आते हैं इट्स लाइक कुछ नया सीखने को मिलता है एंड बहुत कुछ नया जानने को मिलता है एंड मंडे वीडियोज़ आई आई ट्राई टू कंप्लीट माई सिलेबस बाई डूइंग दैट अदर देन दैट ऑल्सो लाइक मंडे वीडियोज़ में कुछ और भी एग्री से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं जो कि मैंने प्रैक्टिकल वर्क में सीखा है या फिर थ्योरी क्लासेस में सीखा है या फिर कुछ नया कहीं पढ़ के किसी आर्टिकल में पढ़ के मुझे एग्री से रिलेटेड पता चला तो वो भी रहते हैं दैट इज जस्ट द लैक्चर कि हाँ पढ़ना है फैक्ट्स फ्राइडे इज़ लाइक ओके वी डों वी लर्न समथिंग ये नहीं पता था वी we वन र नॉट अवेयर अबाउट इट सो वो वीडियोज़ बनाने में बहुत मज़ा आता है आई देर आर स्टिल समिक्स जो मैंने काफ़ी पहले देखा था पढ़ा था उसके बारे में बट इट्स स्टिल पेंडिंग कि उस पर मैं प्रॉपरली स्क्रिप्ट लिखूँ और मैं उसे अपलोड करूँ कोई नहीं वो भी अपलोड हो जाएंगे पैक्स फ्राइडे इज़ ऑल्सो ऑल अबाउट जी के बिकॉज आई

एंड इन लॉकडाउन आई लाइक टू शेयर दैट मैंने बहुत कुछ नया किया है समटाइम्स बेकिंग अफकोर्स दिस चैनल डांस लाइक आई यूज आई रिमेंबर आई यूज़ टू लर्न सम न्यू डांस फॉर्म्स एंड ऑल देन आई इवन स्टार्टेड राइटिंग आई यूज़ टू इन माई चाइल्ड हुड लाइक नॉट एकदम चाइल्ड हुड बट या आई रिमेंबर इन माई स्कूल डेज मैं कभी कभी लिखती थी सो आई स्टार्टेड इट अगेन मैं बहुत अच्छा नहीं लिखती बट इट्स लाइक मॉडरेट ओके आई डू दैट मैंने फिर क्या ऐसी छोटी मोटी चीज़ें की है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक मी स्टैंड एट अ प्लेस तो वी कम्प्लीटेड वन ईयर दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी दैट बिना एक भी वीक गैप हुए बिना बिना एक कोलोन के बिना एक पंक्चुएशन के ब्या है कम्प्लीटिंग वन ईयर टुगेदर I congratulate to you also and to me also because I did it and I'll I'll try to continue this like similarly. I'll try to make amazing videos for you guys and facts Friday videos. I I felt in this one year that you guys also love it. सो so, उसको बनाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है इट्स इट्स अमेजिंग इतना कुछ नया जानना एंड ऑल दैट थिंग्स लाइक इट्स इट्स डिफ़िकल्ट इट्स अ थोड़ा लेंदी टास्क क्योंकि बहुत जगह से पढ़ना पड़ता है बिकॉज द बिगेस्ट फीयर इज़ लाइक सबसे बड़ा ये कि कोई गलत बात ना निकल जाए कोई गलत इंफॉर्मेशन कन्वे ना हो जाए कुछ वीडियोस तो लाइक ब्लडी टियर वाले वीडियो ये सब वीडियोस बनाते बनाते तो इवन आई वाज अमेज दैट ओ माय गॉड दिस इज़ आल्सो अ थिंग सो दोज वीडियोस वे आल्सो अमेजिंग एंड व्हाट टू से आई आई जस्ट वांट टू एक्सप्रेस दैट आई एम थैंकफुल टू यू ऑल दैट यू सपोर्टेड मी क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि mm, नहीं अब वीडियो नहीं बन पा रहा अब नहीं आई एम डन विद दिस बट देन दी अदर पर्सन यूज़ टू यूज़ टू टेल मी दैट तुम्हारे वीडियोज़ अच्छे होते हैं जो ट्रिक्स बनाती हो जो कि मीनिंगलेस होते हैं क्योंकि वो मीनिंग के लिए होते ही नहीं है वो ट्रिक्स होते हैं बस इवेंट्स याद करने के लिए उसमें मीनिंग ढूंढना ही नहीं है वो उसी कॉमेडी उसी टूटी फूटी की तरह उसको पी जाना है याद कर लेना है क्योंकि इवेंट्स याद करना डेट्स याद करना अगर लेम लैंग्वेज में याद करेंगे तो नहीं होगा बट इट्स लाइक लाइक इट्स बी सो रिमूव दिस इट्स थ्री सो थ्री थाउजेंड बी सी तो दोज आर थिंग्स जो कि मैं हमेशा से करती हूँ याद करने के लिए इवेंट्स हो गया या फिर कुछ भी याद करने के लिए आई मेक इट अ कॉमेडी थिंग समथिंग और वो मैंने अब शेयर करना शुरू किया आप लोगों के साथ तो दैट इज़ अ फन थिंग आल्सो फॉर मी एंड जब भी कोई ऐसा आके बोलता है यार ये मस्त था ये वीडियो तुम्हारा बहुत अच्छा था ये वीडियो तो मैं इतनी बार देख के ये इवेंट्स याद कर ली हूँ सो जब भी मैं ऐसा सोचती थी कि नहीं अब वीडियोस नहीं बन पा रहे मुझसे ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता था दैट मेड मी नहीं कंटिन्यू कीप इट कंटिन्यू कुछ नहीं तो यू आर ऑल्सो लर्निंग समथिंग सो दैट वॉज अ थिंग एंड एज आई मैंशन की मैं थोड़ी बहुत शायरी लिखती हूँ तो वाई नॉट शेयर समथिंग विच आई हैव रिटर्न फॉर यू ऑल फॉर द यूट्यूब रियली थैंक्स टू दिस ऐप दैट हेल्प नॉट ओनली मी बट सो मैनी पीपल एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू लाइक आई वुड जस्ट लाइक टू टॉक अबाउट सिचुएशन अराउंड कि Just believe that कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और अगर आज बुरा है तो कल कुछ अच्छा होगा। I I personally do believe this, so I think you guys should also believe this and this is true also. And uh, situation अच्छी नहीं है तो आप लोग please अपने घर पे रहिए, safe रहिए, precautions लीजिए, rules को follow कीजिए because everybody out there in the front line is working for us. एंड मैं भी अपने घर पर ही रहती हूँ सेफ हूँ आई ऑल्सो डू फॉलो ऑल दी रूल्स मास्क पहने बिना कहीं मत निकलिए सैनिटाइजर तो पॉकेट में एज अ लाइक वॉट फोन की तरह रखिए ही रखी है सो है कम्स माई आईव एक्चुअली एवरीथिंग टू आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू राइट वन बट मैं चल ले कहा नहीं रहा था बट देन द आउटकम वॉज आई हैव टू राइटिंग्स नाउ सो दैट इट गोज साथ चलते चलते आ गए हम यहाँ तक साथ चलते चलते आ गए हम यहाँ तक कभी सोचा ना था कि प्यार हो जाएगा तुमसे इस कदर जो हाथ थामा था तो सोचा ना था कि ज़िंदगी भर का साथ मिल जाएगा इस कदर अब जो चल दिए हैं इस राह पर अब जो चल दिए हैं इस राह पर ना जाना छोड़कर उस बेवफा की तरह जो साथ चलते तो हैं पर होते नहीं हैं कभी राह पर एंड द नेक्स्ट वन वॉज लाइक ये थैंक्स एक्सप्रेस करने के लिए अपना एंड द नेक्स्ट वन हेरिटेज सोचा तो मैं थैंक्स बोल दूँ साथ निभाने का उधार चुका दू फिर याद आया अपनों को भी कोई थैंक्स बोलता है क्या साथ निभाने का भी उधार होता है क्या तो चलो आज थैंक्स नहीं पर एक नए साल का वादा करते हैं एक नए सफ़र का इरादा करते हैं साथ चलते चलते ये वक्त भी गुज़र जाएगा हिम्मत रखो दोस्तों ये कोरोना भी टल जाएगा सो जस्ट हैव फेथ हैव होप एंड एन्जॉय योर ईच एंड एवरी डे सेफली केयरफुली स्टे हेल्दी डैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिएगा एंड <laughs> हाथों को सैनिटाइज करके सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि वो फ्री है आपको बस सब्सक्राइब करना है ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलते रहे दैट इज मोटिवेशन सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है इसीलिए सो दैट्स ऑल फॉर टूडे आई होप यू लाइक माई टॉक प्लीज शेयर इट कॉमेंट में प्लीज बताइए कि आपने एक साल कैसे बिताया आपको मेरे एक साल के वीडियोज़ कैसे लगे एंड ऑफकोर्स शेयर इट कॉमेंट सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा प्लीज एंड आई लगेन कम अप जल दैट टेक केयर बाय